दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैट आइकन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे एक चैट आइकन दिया गया है जिसपे क्लिक करने के बाद तीन पॉपअप खुल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक तो कॉल के लिए है, एक व्हाट्सएप के लिए है और तीसरा जो है मेल के लिए दिया गया है। आप भी अपने वेबसाइट पे इस तरह का चैट आइकन लगा सकते हैं और ये लैपटॉप में ओपन हो या फिर मोबाइल में ये दिखेगा हमेशा। और जैसे ही इस पे क्लिक किया जाएगा कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा कॉल, व्हाट्सएप मैसेज या फिर मेल। आप अगर चाहे तो एक्स्ट्रा फीचर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैसेज ऐड कर सकते हैं या फिर चैट ऐड कर सकते हैं या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है जो कि अगर आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम भी है, अगर आप चाहें प्रीमियम फीचर लेना तो आप प्रीमियम भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम फ्री फीचर बताने वाले हैं कि फ्री में आप क्या क्या ले सकते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट पे ऐड करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और इसका आप देख लेंगे यहाँ URL westvishesh.withabhi.com इसका URL है और जिसपे हमने अभी लगा रखा है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे vishesh.withabhi.com है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे हम अभी ऐड करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे ऐड करना है। सिंपल सी आपको पहले तो अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले प्लगइन्स पे क्लिक करना है और एड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको चैटी लिख करके सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप चैटी लिख कर सर्च करेंगे आपको सबसे पहले ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लगइन का रेटिंग देख सकते हैं 5 रेटिंग है और 2,00,000+ अभी इंस्टॉल किया गया है। 2,00,000+ वेबसाइट पे यह प्लगइन इंस्टॉल किया गया है अभी के डेट में। ये पावर्ड बाय यहाँ पे देख सकते हैं प्रेमियो है और इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसको एक्टिव कर लेना है। सिंपल सी इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिव पे क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछ रहा था, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे सिंपली नो आई विल डू इट लेटर इस पे क्लिक कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देख पाएंगे एक वीडियो देखने के लिए बोल रहा है कि आपको कैसे इसे सेटअप करना है, तो सिंपली यहाँ से मैं कट कर देता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और अगर आप के पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा, अगर कुछ और दिख रहा तो कोई बात नहीं, सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार होम पे क्लिक। इसके बाद सिंपली आपको लेफ्ट हैंड में नीचे चैटी का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। सिंपली आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ नाम दे देंगे, आप अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके नीचे आप ऐड करेंगे कौन कौन सा फीचर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर भी ऐड कर सकते हैं, मेल भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे इनेबल हो जाएगा और इसके बाद मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैसेज का भी आइकन आ चुका है। अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें यहाँ से कई सारे चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐड करके नहीं दिखाने वाला हूँ, सिंपल सी इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इंस्टाग्राम को मैसेज को भी हटा देते हैं। चलिए मैं SMS को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सी यहाँ पे चार ऑप्शन हो जाएंगे, व्हाट्सअप, कॉल, ईमेल और SMS। यहाँ पे चार ऑप्शन हमने ऐड कर चुके हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, आप जो भी यहाँ से ऐड करना चाहते हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इनेबल हो जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे कॉलिंग के लिए, जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे दो ऑप्शन और दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं अगर आप डेस्कटॉप पे हाइड करना चाहते हैं या फोन पे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉल का जो आइकन है वो केवल मोबाइल में दिखे, डेस्कटॉप में नहीं दिखे, तो सिंपली इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों पे दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप के लिए सिंपली सबसे पहले तो अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री से आप हैं उस कंट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर
ऐड कर लेंगे, टाइप कर देंगे जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर व्हाट्सएप मोबाइल में दिखाना चाहती है, लैपटॉप में, यहाँ से अपना हाइड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मेल आईडी है, तो यहाँ पे अपना मेल आईडी फिल कर देंगे। जो भी मेल आईडी पे आप मेल लेना चाहते हैं, उस मेल आईडी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक मेल आईडी भी फिल कर देता हूँ, बस ऐसे ही। मेल आईडी फिल करने के बाद, इसके बाद फिर से आएंगे नीचे, यहाँ पे एसएमएस के लिए एक और नंबर डाल देंगे। जिस नंबर पे आप मैसेज लेना चाहते हैं, उस नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे। नंबर फिल करने के बाद आप देख पाएंगे चारों में हमने नंबर फिल कर चुके हैं। कुछ इस तरह से आपको भी ऐसे ही नंबर फिल कर देना है। नंबर फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे हाइड का आइकन दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक करेंगे इस पे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे शो होगा। जैसे कि सिंपल सी इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक हाइड का यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप इस यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं हाइड छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे, हमें उतना जरूरत नहीं है अभी। इतना करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रो लेना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपग्रेड टू प्रो का ऑप्शन आने लगा है। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रो लेना पड़ेगा। तो प्रो लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काफी सारे फीचर आपको मिल जाता है और बढ़िया से मिल जाता है, तो प्रो लेने की उतना जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे अपना मैसेज आइकन को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह का आप दिखाना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चार आइकन दिया गया है, आप जैसे चाहें वैसे आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो चलिए मैं इसी को रहने देते हैं, तीन नंबर को। और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट या राइट किस तरह आप शो कराना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वेबसाइट यहाँ पे देख पाएंगे इस पे है, तो यहाँ पे हमने राइट में सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी आपको शो होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड में है, अगर आप लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको इधर आ जाएगा। अब अगर आप मोबाइल भी देखना चाहते हैं तो मोबाइल आइकन पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लिक टू ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक टू ओपन, होवर टू ओपन और ओपन बाय डिफॉल्ट। अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो क्लिक करेंगे तब ओपन होगा, होवर टू ओपन पे क्लिक करेंगे इसे अगर सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप वहां पे जैसे ही अपना माउस ले जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन बाय डिफॉल्ट मतलब ऑलवेज ये ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा। तो सिंपली इसी को आप सिलेक्ट करें, बीच वाले ऑप्शन को। जैसे ही माउस जाएगा मैसेज आइकन पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इसे हाइड कर देंगे। इसके नीचे आपको कलर देखने को मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह का कलर आपको पसंद है उस तरह का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, चलिए मैं इसी को रहने देते हैं और इसी को छोड़ देते हैं, सही लग रहा। और इसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लेंगे, किस साइज में आप शो कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। जितना बड़ा आप जितना इधर जाएंगे उतना ही आपको बड़ा दिखेगा। तो यहाँ अगर कस्टम पे करते हैं तो कस्टम से भी आप और भी बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। सिंपल जी मैं यहाँ पे मीडियम ही रखूंगा, क्योंकि ये सही दिख रहा है साइज इसका। और इसके बाद नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे कॉल टू एक्शन, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है पहले से, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन किया जाएगा तो कुछ इस तरह का लिख करके आएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने कॉन्टेक्ट किया और यहाँ कॉन्टेक्ट हो चुका है। चलिए मैं बाय डिफॉल्ट इसी को छोड़ देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस। नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक और सेकेंड है आपका शो ऑल द टाइम। तो शो ऑल द टाइम करेंगे तो यह हमेशा शो होगा, नहीं तो एक बार क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। इसके नीचे कलर सिलेक्ट करने के लिए है, जो कॉन्टेक्ट अस है इसका कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलिए मैं कोई बात नहीं इसी को छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। आप देख लेंगे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो के लिए है,
फ्री के लिए नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। इसके नीचे कुछ ऑप्शन और दिया गया है, ये सारे फीचर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपल सी यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेकंड दिखा रहा है डिस्प्ले, आफ्टर जितना सेकंड बाद आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उतना सेकंड आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप जीरो डालेंगे तो जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन होगा वैसा ही ये शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेकंड बढ़ाते हैं तो जितना सेकंड आप यहाँ पे डालेंगे उतना सेकंड बाद ये आपका आइकन शो होगा। तो मैं यहाँ पे चलिए 5 छोड़ देता हूँ, 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके नीचे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले व्हेन विजिटर इज अबाउट द लेवल द पेज। तो यहाँ पे अगर आप लेवल, जैसे आपका पेज स्क्रॉल डाउन करते हैं लोग उसके बाद आप शो कराना चाहते हैं तो इसे ओपन करेंगे, नहीं तो इसे ऑफ ही रहने देंगे। इसके नीचे आप देख पाएंगे डिस्प्ले आफ्टर 0% ऑन द पेज, तो इसे अगर ऑन करेंगे तो जितना परसेंट पे आप सेट करेंगे, जैसे 50% पे करते हैं तो आपका वेबसाइट 50% पे आ जाएगा, उसके बाद ये शो होगा आइकन, नहीं तो शो नहीं होगा। तो इसे आप जीरो ही छोड़ दे, इसे ही ऑफ रखे, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। सिंपली आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई एक्शन बटन नहीं है, और जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बटन आ जाएगा। 5 सेकंड का हमने टाइम डाला था और 5 सेकंड बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। हमने लेफ्ट हैंड में डाल दिए हैं। अगर आप राइट हैंड में रखना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप चलेंगे डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपको सिंपल सी यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेफ्ट एंड राइट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमने यहाँ पे राइट कर देता हूँ, राइट करने के बाद इसके बाद सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपका जो आइकन होगा वो राइट हैंड में आ जाएगा। चलिए वेबसाइट पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आ जाएगा। जैसे ही यहां पे 5 सेकंड होगा तो 5 सेकंड बाद ही ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आप 0 सेकंड करना चाहते हैं तो भी आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर पे था, सिंपली यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से 0 कर देंगे। जैसे ही आपका पेज ओपन होगा वैसा ही ये ऑप्शन आ जाएगा चैट का, और यहाँ से कोई भी क्लिक करके चैटिंग कर सकता है। सिंपली इसे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद ये हटेगा नहीं, आप देख पाएंगे ये यहीं पे पड़ा रहेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक्शन बटन लगा सकते हैं चैटिंग के लिए, और यहाँ पे जो भी ऑप्शन देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूले, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिले सबसे पहले।